चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्सर में खनन माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हुई है। मौके से 3 जेसीबी मशीन और 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। अवैध खनन के आरोप में पुलिस ने जेसीबी और ट्रैक्टर को किया जब्त। पुलिस की कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। तो खनन माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आप देख सकते हैं, पीला पंजा वहां दिख रहा है जो बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए तैयार है। पुलिस की कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। लक्सर की ये तस्वीरें हैं आपके सामने। अवैध खनन के आरोप में पुलिस ने जेसीबी की मदद से वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है। नोएडा में एलिवेटेड रोड पर जन्मदिन मनाने का यह वीडियो आपके सामने वायरल हो रहा है। बीच सड़क पर कार पर केक काटने का वीडियो वायरल हो रहा है। बेखौफ युवकों की आतिशबाजी कर खुलेआम काटा बवाल। वायरल वीडियो में दिख रहे हैं 5 से ज्यादा युवक। वीडियो वायरल होने के बाद जांच जुटी है पुलिस। नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बीच चौराहे पर हम आपको कहें एलिवेटेड रोड है, आप कीजिएगा एलिवेटेड रोड पर किस तरीके से आतिशबाजी होती है और बीच रोड पर बर्थडे मनाने का यह वीडियो वायरल हो रहा है। करीब 6 से 7 लोग आपको दिख रहे होंगे। ये सारे लोग उत्पात मचाते हुए दिख रहे हैं बीच रोड पर। युवकों का बवाल सबके सामने है। ये वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिर ये लोग कौन हैं और उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अगली खबर अमरोहा से है, जहां पर स्टंटबाज दूल्हा और उसके साथियों पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने ऑडी कार सहित 3 स्कॉर्पियो को भी गिरफ्तार जब्त कर लिया है। कार की छत पर स्टंट करने वाले 3 युवक गिरफ्तार हो गए हैं। सैद नगली थाना क्षेत्र के गलसुआ गांव का यह मामला है। तो ऑडी सहित 3 स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था जहां पर दूल्हा ऑडी के सनरूफ पर बैठकर उत्पात मचाता हुआ दिख रहा था, जिसके बाद अब पुलिस ने कार्रवाई की और अब दूल्हे राजा को और साथ ही उनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ 1 ऑडी और 3 स्कॉर्पियो जब्त कर लिए गए हैं। वहीं जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कोहराम मचा हुआ है परिवार वालों के बीच। 2 ट्रकों के बीच टक्कर से हुआ हादसा। हादसे में ट्रक के उड़े परकच्चे, ड्राइवर और खलासी की मौत हो गई। मौके पर ही मौत हो गई दोनों की। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को निकाला बाहर और कुठौंद थाना क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का ये मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी जर्जर स्थिति में, या फिर हम कहें कि परखच्चे उड़ गए हैं ट्रक की और ये ट्रकों के बीच टक्कर हुई। उसके बाद ड्राइवर और साथ ही साथ कंडक्टर दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उन्नाव में दर्दनाक हादसा, सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई है। बेकाबू डंपर ने बाइक सवार को कुचला और हादसे में बाइक सवार युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने डंपर चालक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। अचलगंज थाना क्षेत्र के बदरका चौकी के सामने की घटना है। दर्दनाक हादसा आपके सामने है जहां पर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद आसपास के लोगों में हड़कंप देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन वहां मौजूद है जो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है अस्पताल। उन्नाव से तस्वीरें हैं जहां एक दर्दनाक हादसा होता है और एक महिला की मौत हो जाती है। गाजीपुर में अंसारी बंधुओं पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। मोहम्मदाबाद के होटल मिड टाउन में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कई विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। जीएसटी, खाद्य आपूर्ति और श्रम विभाग का छापा है और छापेमारी में पुलिस की कई कागजातों को किया जब्त। तो अंसारी बंधुओं के खिलाफ एक्शन, प्रशासन का एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर
छापेमारी की गई। छापेमारी में पुलिस ने कई कागजातों को किया खंगाला और फिर उसे जब्त कर लिया। अंसारी बंधुओं के खिलाफ ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। लोकल स्तर से शिकायतें हम लोगों को काफ़ी मिल रही थी। यहाँ पे लोग रात में रुकते हैं और यहाँ की गतिविधियाँ ठीक नहीं है, और इसलिए जो है सारी टीम ने इसकी जांच की है और सभी टीमों ने लगभग जांच कर ली है और जैसी रिपोर्ट आएगी उससे आगे कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। खबर सबसे पहले एटा से आ रही है, जहां पर दबंग भू माफिया का आतंक देखने को मिल रहा है। कब्जा करने की नीयत से ज्वेलर की दुकान में तोड़फोड़ की। भू माफिया ने मनोज गुप्ता की दुकान में की तोड़फोड़। दबंग भू माफिया ने दुकान के कुछ हिस्सों को किया ध्वस्त। करीब 10 करोड़ की बताई जा रही है तेजी की दुकान की संपत्ति। एटा कोतवाली थाना क्षेत्र के बाबूगंज बाजार की घटना। तो भू माफिया का आतंक आपको देखने को मिल रहा है। तोड़फोड़ की गई दुकान के अंदर और कई सारे सामान लेकर फरार। 10 करोड़ के सामान की जब्ती की बताई जा रही है बात। भू माफिया ने मनोज गुप्ता के दुकान में तोड़फोड़ की है। दबंग भू माफिया ने दुकान के कुछ हिस्सों को ध्वस्त कर दिया। करीब 10 करोड़ की बताई जा रही है ज्वेलरी जो दुकान से ली गई। नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में नवीन नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के दौरान दो अन्य अपराधी भी फरार हो गए। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ के दौरान लूट की कार जब्त की गई है। दो दिन पहले बदमाशों ने लूटी थी कार। घायल बदमाश के पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो नोएडा की वारदात के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों के बीच में। नोएडा 113 पर यह घटना हुई है, जहां पर मुठभेड़ हुआ और अपराधी जिसमें से कुछ पकड़े गए और कुछ फरार हो गए। मुठभेड़ के दौरान दो अन्य अपराधी जो थे बदमाश के साथ, ये देखिए गिरफ्त में किस तरीके से अपराधी को लेकर के पुलिस जा रही है। इसके साथ ही दो साथी फरार हो गए हैं, जिसकी छानबीन अभी जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ के दौरान लूट किए गए कार जब्त किए गए और दो दिन पहले बदमाशों ने ये कार लूटी थी, जिसको अब जब्त कर लिया गया है। क्रेटा कार है ये, और जिसको जब्त कर लिया गया है। साथ ही घायल बदमाश के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र का ये मामला है। ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हो गई। दरअसल चेकिंग के दौरान पुलिस ने अपराधियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे भागते हुए नजर पुलिस पर ही फायरिंग कर बैठे और बाद में पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में दो अपराधी घायल हो गए। दोनों घायल अपराधियों को बिल्लू फौजी और सत्य घंघोला, इनका नाम है, सुंदर भाटी गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। पुलिस की माने तो पकड़े गए दोनों ही अपराधियों पर लूट, हत्या और रंगदारी सहित कई मामले दर्ज हैं, और पुलिस के इनके लंबे वक्त से तलाश कर रही थी। गिरफ्तार अपराधियों के पास से अवैध हथियार के साथ ही कार भी जब्त की गई है। इकोटेक वन कोतवाली थाना क्षेत्र के GBU यूनिवर्सिटी के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है, और इसी के जद में आप देख सकते हैं कि इस मुठभेड़ में, ग्रेटर नोएडा में ये मुठभेड़ हुई बदमाश और पुलिस के बीच में, जिसमें बंदूक और कारतूस भी बरामद हुए हैं, साथ ही साथ बदमाश भी पकड़े गए हैं। वहीं कानपुर में दबंगों ने महिला के साथ की मारपीट। महिला को पीट पीट कर किया अधमरा। गंभीर हालत में महिला को हैलेट अस्पताल भर्ती कराया गया है। कोचिंग शिक्षिका और उसके परिजनों पर मारपीट का आरोप लगा है। 200 रुपए के लिए कोचिंग शिक्षिका पर मारपीट का आरोप लगा है। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। शिक्षिका पर आरोप लगा है, 200 रुपए के लिए शिक्षिका पर मारपीट का आरोप लगा है, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दबंगों ने महिला के साथ मारपीट की। उस महिला को इतना मारा, इतनी उसकी पिटाई की गई कि महिला की हालत अधमरी हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला अधमरी हालत में रोड पर लेटी हुई है, और दबंग हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे।
दबंगों ने महिला के साथ मारपीट की और इतने बुरे तरीके से उसके साथ मारपीट की कि महिला अधमरी हो गई। तस्वीरों में देखेंगे वही महिला है जिसके साथ मारपीट की गई और उसके बाद दबंगों ने बिल्कुल भी दया दृष्टि नाम की चीज नहीं दिखाई। वही शामली में नाबालिग लड़कों में हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई जिसमें महिला समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तस्वीरों में आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं घायल लोग वहां पर अपना इलाज करा रहे हैं, अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां महिलाएं भी मौजूद हैं, महिलाएं भी उन घायल लोगों में मौजूद हैं, शामिल हैं। बच्चों की लड़ाई में दो गुटों में मारपीट होती है और ये मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फिर लाठी डंडे शुरू हो जाते हैं और उसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर ये इलाज चल रहा है। शामली का ये वीडियो बताया जा रहा है। ऐसा हुआ जी, मेरा बच्चा सड़क पे था तो इन बच्चों में लड़ाई, इसका बच्चा जो कहने लगा कि हाँ नहीं जन्नी मैं तुझे मारूंगा, बच्चों में लड़ाई होगी, इसके चाचा ने उसके मारे वाले के मार दी, उसके मार दी, बात खत्म होगी। वो जो दूसरा वाला चाचा उसके घर चढ़ के मारे, जैसे मेरे नाम लोग गल लगा तेरा मुँह जहाँ से निकला नहीं छोड़ दूंगा, फिर कोई बात नहीं, बात खत्म होगी। मैंने झुका मना कहा गाली को गिरा तू, मैंने मेरे पे बेल्ट निकाल ली, फिर लड़ाई होगी, कोई बात नहीं, बात जी हाँ बात खत्म होगी। फिर वो जो लड़का है जो था वो अंदर बैठे था, हम सारी बात उसके ऊपर थूक के गया। अच्छा। फिर इनकी दोनों की लड़ाई बजी, फिर हुआ काम। किस चीज़ से मारपीट हुई है? इन्होंने हमारे पता नहीं क्या ज्यादा कहाँ का नाम बोला है, ये खेल मूल्य का है, ये देखो क्या हल कर रखा उन्होंने मेरा। दूसरा पक्ष कौन है वो जिन्होंने आपने मारी, उन्होंने मेरा जगड़ोना है। वो ऐसा हुआ जी, मेरा बच्चा सड़क पे था तो इन बच्चों में लड़ाई, इसका बच्चा जो कहने लगा बच्चों बच्चों के बारे में लड़ाई हुई, फिर सबने बीच बिचार करवा दिया, फिर थूक के गैस के ऊपर जालो, गुलजार के ऊपर थूक के गया जालो, फिर लड़ाई बजी इस बात पर। किस चीज़ से मारपीट की? टंडे बजाए इन्होंने माए पर, टंडे तलवार ले रहे थे हाथ में। कितने लोग हैं? तलवार से हाथ काट रखा है इन्होंने, हमारी तरफ से 4 है 5। और अब बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। मायावती ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बसपा यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में नहीं है, लेकिन भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, कानून के जबरन ना थोपा जाए और एक समान कानून लागू होगा तो देश मजबूत होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा संकीर्ण राजनीति के स्वार्थ के लिए काम कर रही है, केंद्र सरकार को महंगाई पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बड़ा बयान आ रहा है मायावती की तरफ से जहां उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि UCC को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है, जिसमें सर्वधर्म हिताय वह सर्वधर्म सुखाए की नहीं, बल्कि इसकी आड़ में इनकी संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ज़्यादा देखने को मिल रही है जो उचित नहीं है, जबकि इससे ऊपर उठकर तब सरकार को इसे लागू करना चाहिए। और अगली खबर रामपुर से है जहां पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 12 साल के नशेड़ी लड़के ने 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी। आरोपी शराब और स्मैक के नशे का आदी है। शुरुआती जांच में पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने पूरी घटना को कबूल कर लिया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस इस मामले में विधिक कार्रवाई करने की बात कर रही है। 6 साल का बच्चा LKG में पढ़ता था और इसी साल स्कूल जाना शुरू किया था। रामपुर की वारदात हम आपको बता रहे हैं, रामपुर की वारदात के बारे में बता रहे हैं जहां 12 साल के एक नाबालिग ने 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी। बच्चा अभी स्कूल जाना उसने शुरू ही किया था, LKG क्लास में पढ़ता था, जिसकी हत्या निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अपराधी नशे में रहता था और शराब और स्मैक का आदि था। उसका बच्चा दिन में 10 बजे के करीब से गायब है। इस पर सिविल लाइन पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मौके का निरीक्षण किया
और पूछताछ करनी शुरू की। उसी में योगेंद्र यादव का पड़ोसी ही जिसकी उम्र 12-13 साल है, उस लड़के से पूछताछ जब पुलिस ने की तो उसने कहा कि मैंने इस योगेंद्र यादव के बच्चे को, जिसकी उम्र 6 वर्ष है, जिसका नाम योग यादव है, उसे मारकर हाईवे के किनारे पेट्रोल पंप के पास गड्ढे के पास फेंक दिया है। पुलिस ने इस बाल अपचारी की निशानदेही पर सबको बरामद किया और जो बच्चे का कपड़ा नहीं था शरीर पर, उसके कपड़े बरामद किए, आला कतर बरामद किया और जो अपचारी है इसे गिरफ्तार कर लिया। ये अपचारी शराब पीने का आदमी है और स्मैक वगैरह पीता है, इसकी उम्र कम है लेकिन इस तरह के व्यसन में पड़ गया है। तो बच्चा है योग यादव, इसके पोस्टमार्टम के लिए सब भेज दिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए अगली खबर सहारनपुर से है, जहां पर पुलिस ने दो युवकों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार युवकों पर चंद्रशेखर आजाद पर हमले का आरोप लगा है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमले का आरोप लगा है। गिरफ्तार युवकों पर एक हरियाणा और 3 देवबंद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अंबाला ढाबे से चारों युवकों को गिरफ्तार किया है। चंद्रशेखर आजाद पर 28 जून को हुआ था हमला, तो आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। 28 जून को चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ था जिसमें उन्हें गोली छूकर निकल गई थी और अब उन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं श्रावस्ती में राप्ती नदी का बांध कटने से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल राप्ती नदी का अचानक जल स्तर बढ़ने से मुझेना के पास बांध कट गया। बांध कटने से एक दर्जन से अधिक गांव पर खतरा मंडरा रहा है। इस बीच ग्रामीण और बाढ़ खंड के लोग बांध को बचाने में जुटे हुए हैं। दावा है कि मानक के मुताबिक बांध नहीं बनाने की वजह से इस बांध में कई बार दरार आ चुकी है। पिछले साल भी बांध कटने से 2 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हुए थे। इस साल भी बांध कटने से 1 दर्जन से अधिक गांव पर खतरा मंडरा रहा है। बारिश से उत्तराखंड के नदी नालों में उफान आया हुआ है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आ जाने की वजह से बंद हो गया है। देर रात लामगढ़ नाले के उफान के चलते सड़क पर भारी मलबा आ गया, जिसकी वजह से सड़क के दोनों ओर लंबी कतार लग गई है। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहाड़ी से मलबा नीचे उतरता है और उसके बाद लोग वहां पर परेशान हैं। जेसीबी की मदद से मलबे को निकाला जा रहा है, लेकिन इसी बीच आवाजाही में कई परेशानी हो रही है, यात्रियों को कई परेशानी हो रही है और अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से सड़क पर जाम लगा हुआ है। मेरठ में एमडीए की महिला क्लर्क को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है। शनिवार को मेरठ विकास प्राधिकरण की महिला क्लर्क को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के बाद एमडीए के कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल राहुल भड़ल नाम के वकील ने रिश्वत मांगने की शिकायत की थी और कहा था कि प्लॉट के नामांकन के लिए एमडीए की क्लर्क अनीता शर्मा रिश्वत मांग रही थी, जबकि सभी कागजात मौजूद थे। तो रिश्वत लेते हुए एमडीए की घुसखोर क्लर्क का वीडियो आपके सामने है। नामांतरण की फाइल थी जो एमडीए कार्यालय में मेरी चली हुई थी, जिसके संबंध में मैंने आवेदन करा था। मेरी माता श्री के नाम प्लॉट था, वो नामांतरण कराने के लिए मैंने आवेदन किया। आवेदन करने के बाद मैंने ऑनलाइन जो फीस कटती है वो फीस कटवा करके एमडीए वो जा चुकी थी फाइल। कई दिन से वो फीस पेंडिंग होने के बाद मैडम के पास ये फाइल पेंडिंग चल रही थी, तो मैंने इनसे एक बार फ़ोन पे संपर्क करा तो उन्होंने फ़ोन पे संपर्क करने को मना कर दिया और एटीट्यूड दिखाते हुए कहा कि तुम ऐसा है यहाँ पर आओ कार्यालय में, मैं फ़ोन वोन पर बात नहीं करती। मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर इन्होंने कहा कि ऐसा है, जब तक 5,000 रुपये मुझे नहीं दोगे तुम्हारी फाइल में आगे नहीं भेजूँगी। इस करके बाद मैंने वहाँ से मैडम से निवेदन करा, मैडम ऐसा है कि पर्सनल फाइल है, पेशे से वकील हैं हम, आप ऐसे कैसे ना करें, फाइल को मेरी आगे फॉरवर्ड कर दें। तो फिर जब ये नहीं मानी, उन्होंने कहा वकील हो तो कोई तोप थोड़ी हो तुम, वकील हो तो कोई तोप थोड़ी हो, पैसे के बिना फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। फिर मैंने इनसे निवेदन करा, मैंने मेरी फाइल कल तक रोक लो, मैं कल पैसे दे दूँगा। तो फिर एक दो दिन का समय, ईद वगैरह आ गई, छुट्टी हो गई, तो आज इन्होंने कहा, फिर से फ़ोन आया कि अगर तुम्हारी पैसे नहीं लेकर आए हो
तो मैं तुम्हारी फाइल आज खारिज कर दूंगी। इस करके जो है फिर मैं आज इनके फ़ोन आने के बाद मैं दोबारा से इनके कार्यालय गया एंटी करप्शन में शिकायत करके, तब जाके ये मामला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।